हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो भाई, चर्चा का विषय नंबर लेटेस्ट, ठीक है, वो ये है कि MIUI 11 अपडेट कब आएगा और किन किन डिवाइसेस को कब कब मिलेगा। तो इस पर दो नए लीक्स निकल के सामने आए हैं। इसे हम प्रूफ नहीं कहेंगे, ये बस एक लीक है। हाँ, सही भी हो सकता है, 100% सही हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूं। तो दो चीजें लीक आई है। सबसे पहले सबसे मेन वाली चीज को कंपेयर करते हैं। तो Xiaomi के जो MIUI एक्सपीरियंस चीफ हैं, ठीक है, चाइना वाले, उन्होंने कहा है कि MIUI 11 विंटर से पहले आएगा। इतने बात कहा है उन्होंने। अब इस छोटी सी बात से एक बहुत बड़ी कहानी बन गई है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि MIUI 11 से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो या MIUI से रिलेटेड, तो हमारे चैनल MIUI 11 अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि यूसुफ जैक्स चैनल में टेक्निकल इशू है, वीडियो डालने के बाद लोगों को नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है, तो प्लीज उधर शिफ्ट कर जाओ। खैर, इधर भी वीडियो आते रहती है और दोनों तरफ मैं वीडियो मिक्स नहीं करता हूं, ठीक है, ज्यादा बढ़िया वाले टॉपिक्स मैं उधर रिलीज करता हूं। खैर, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पे सीन ये है कि इन्होंने बस इतनी सी बात कही है। अब विंटर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं भाई साहब, नवंबर दिसंबर, यही ना। तो बिफोर विंटर मतलब सितंबर अक्टूबर। और Xiaomi की ये लीक है, मतलब लीक है, ऐसे बाहर से हुई है कि Mi Mix 4 जो है वो सितंबर अक्टूबर में जो है लॉन्च होने वाला है। तो हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि जैसे Y1 के साथ MIUI 9 आया था, Y2 के साथ MIUI 10 आया था, और सोचा था Y3 के साथ भाई साहब MIUI 11 आएगा, बट आया तो नहीं। उसके बाद हमें उम्मीद थी कि Note 7 Pro के साथ आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। फिर हमें उम्मीद थी K20 Pro के साथ आ जाएगा, भाई साहब फिर भी नहीं आया। और अब वो CC करके कुछ लॉन्च हुआ था चाइना में, उसके साथ भी उम्मीद थी, और वो K20 से पहले वाली उम्मीद थी, तो वो भी फ्लॉप हो गई। अब लास्ट में हमारे पास एक और नई उम्मीद है, वो ये है कि Mi Mix 4 के साथ जो है हो सकता है कि MIUI 11 को वो इंट्रोड्यूस कर दें। तो अगर देते हैं मान के चलो, तो वो MIUI 11 का जो है ना, मतलब स्टेबल वर्जन देंगे उस डिवाइस में, बीटा वर्जन नहीं। इसका मतलब, सॉरी मेरा ट्राइपॉड हिल गया, इसका मतलब बीटा वर्जन जो है गाइज वो ऑलरेडी और पहले आएगा, मतलब लगभग 2 महीना तो मानते हैं। तो मान के चलते हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच में, अगस्त सितंबर के MIUI 11 आपको अल्फा बीटा ग्लोबल बीटा स्टेबल चार तरह का होगा, चार पांच होगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं MIUI 11 अपडेट्स पर, तो उसको भी स्विच कर जाना। खैर, तो सबसे पहले वो अल्फा रोम आएगी फास्ट बूट वाली, जिसको कुछ ही लोग इंस्टॉल कर पाएंगे। फिर वही चीज जो है वो लोग चाइना बीटा में देंगे या चाइना अल्फा में पहले देंगे, फिर चाइना बीटा में वो लोग वही चीज देंगे, चाइना बीटा में देने के बाद फिर चाइना स्टेबल में देंगे, फिर ग्लोबल बीटा जो नया पायलट बना है, ग्लोबल स्टेबल बीटा जो बना है पायलट करके समथिंग कुछ, उसको देंगे, उसके बाद फिर ग्लोबल स्टेबल में आएगा। तो दिल्ली दूर है मेरे दोस्त, ठीक है। तो लीक्स कहती है कि 18 अगस्त को Mi Mix 4 लॉन्च हो सकता है, लेकिन ऐसी लीक गलत है, ये लीक मतलब ये लीक भी एडिटेड है। तो 18 अगस्त मान लो या जो भी मान लो, 18 अगस्त को होता है लॉन्च, तो पहला सेल जो होगा उसके साथ हो सकता है कि आपको MIUI 11 देखने को मिले। वैसे अगस्त में तो नहीं होने वाला है, सिंपली वो सितंबर अक्टूबर के आसपास ही हो सकता है। और जब उन्होंने कहा है कि भाई ठंडी से पहले दे देंगे, तो ठंडी का मतलब होता है नवंबर, तो हम लोग मानेंगे सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अब ये डिवाइस लिस्ट नई वाली, तो मैं यही कहूंगा दिल से कि ये डिवाइस लिस्ट भी फेक है, लेकिन ये जेन्युइन भी है। कैसे है मैं बताता हूं। जो लोग MIUI डिवाइस को यूज कर रहे हो काफी टाइम से, उनके लिए इस चार्ट को बनाना बहुत ही आसान बात है। मैंने भी बना के अपने वेबसाइट पर डाल रखी है, और बहुत पहले इस पर वीडियो बना के भी समझाया था, आज फिर से मैं समझा रहा हूं, फिर से एक बार समझा रहा हूं, और फिर समझाना पड़ेगा मुझे पता है। देखो, जो डिवाइस 2019 में लॉन्च हुआ है और एंड्रॉइड पी के साथ हुआ है, और आप श्योर हो कि एंड्रॉइड क्यू के लिए वो सेलेक्ट हो चुका है, उन सारे डिवाइस को Xiaomi फर्स्ट बैच में रखेगा MIUI 11 अपडेट्स के, ठीक है। उसके बाद जो मी के डिवाइस होते हैं उनको भी फर्स्ट बैच में रखेगा, मी के लेटेस्ट डिवाइस को, रेडमी के लेटेस्ट डिवाइस को, ठीक है, और पोको F1, वो बड़ा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, तो हाँ वो भी रहेगा, बट वो फर्स्ट बैच में रहेगा या सेकंड बैच में, इसकी कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगला, अब इस लिस्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो MIUI 11 बैच पब्लिक बीटा डेवलपमेंट सपोर्टेड मॉडल। पब्लिक बीटा डेवलपमेंट तो इंडिया से खत्म ही हो गया, तो चाइना वाला है क्या ये? चाइना वाला ही है, चलो चाइना का ही मान लेते हैं। तो Xiaomi 9 ट्रांसपेरेंट, ये वो उसके बाद एकदम सारे के सारे जो है प्रीमियम फोन है, K20 Pro K20 Xiaomi CC9 सारे के सारे प्रीमियम फोन आ गए इसमें। अब इसमें अपना जो है Y3 तो आया ही नहीं, तो पता नहीं इंडिया में क्या होता है,
सेकंड बैच जो है उसको देख लेते हैं। इसमें देखो MICC9E, उसके बाद ये मिलिट्री एडिशन, Mi Max 2, Note 3, Mi 8, Mi 6 6 Play, Redmi Note 7, Note 7 Pro, Redmi 7 7 और Note 5 Pro। गजब, Note 5 Pro को सेकंड बैच में रखा है, जो कि होना ही चाहिए, बट मे बी वो थर्ड बैच में भी हो सकता है। लेकिन थर्ड बैच के मॉडल्स देखो कौन कौन से यहाँ पे दिखा रहा है, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5A, Redmi 6 Poo, Redmi 7 S2 यानी Redmi Y2, Y2 को इन्होंने थर्ड बैच में दिखाया है, Mi Max 5S, ठीक है। तो Y2 तो कंफर्म थर्ड बैच में होगा, बट Y3 कहाँ गया भाई साहब? चलो ठीक है, Y3 CC वाला जो फोन था वही Y3 बन के आ रहा है ना, तो ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसे इसको मानते हैं, इस लिस्ट को भूल जाओ, ये लिस्ट असली तो पहली बात नहीं है। और हाँ, नोट 4 के बाद जितने भी डिवाइस आए हैं सबको MIUI 11 मिलेगा इंशाल्लाह, जरूर 100% तो नहीं, 90% मान लो, ठीक है। लेकिन जो डिवाइस 2019 में आए हैं और एंड्रॉइड क्यू के लिए रेडी हैं, उन सबको सबसे पहले फर्स्ट बैच में मिलेगा, जैसे कि K20, K20 Pro, तुमको शायद नोट 7 Pro, उसका डाउट चल रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर नोट 7 Pro फर्स्ट बैच में नहीं गया तो सेकंड बैच में तो कंफर्म ही जाएगा। फिर सेकंड बैच में वो सारे डिवाइस होंगे जो एंड्रॉइड पी पे ही हैं, उनको बाद में एंड्रॉइड क्यू मिलेगा और वो 2019 में लॉन्च हुए हैं, और कुछ कुछ 2018 के लास्ट वाले भी, ठीक है। उसके बाद थर्ड बेंच में जाएगा 2018 के सारे डिवाइस, 2017 वाले डिवाइस जो अगर कुछ वो सेलेक्ट करता है तो इस तरह से ये बटेगा। और एक डिवाइस को अच्छा खासा अपडेट मिलता है, कम से कम 3-4 अपडेट तो Xiaomi देता ही है। नोट 4 का इस बार डाउट चल रहा है कि उसको MIUI 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता है नहीं मिलेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी उसके बाद के सारे डिवाइस जो हैं वो सारे के सारे सेलेक्टेड हैं, एक आध दो बदनसीब डिवाइस होगा जो सेलेक्ट नहीं होगा। गाइस इस वीडियो में बस ना ही, आई थिंक कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी आपको पूरा मैटर पूरा सीन समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया MIUI 11 अपडेट्स को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इधर वाले चैनल पर काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो उधर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।